सो हेलो एवरीवन, करेंटली जैसे आप देख पा रहे हो हमारे साथ टीवीएस राइडर है, बीटी मॉडल, दैट मीन ब्लूटूथ मॉडल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स है, उनका कमेंट्स आ रहा था कि उनका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है राइडर का, तो क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं राइडर को लेकर के, रिव्यू भी इसका मैंने जनरेट किया हुआ है, ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैंने बताया, और क्या एक और वीडियो में मैंने बताया कि कैसे क्या रीजन है जो ब्लूटूथ आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिया। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक और अभी नया प्रॉब्लम आ रहा है राइडर में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होने का, तो वो प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तथा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे आप साइड स्क्रीन में अभी आप देख पा रहे हो MSC इज नॉट वैलिड इनवैलिड स्पीडोमीटर। जैसे आप नेविगेशन में जाते हो ब्लूटूथ तो कनेक्ट हो जाता है, बट नेविगेशन आपका प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो MSC है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, और उस ठीक करने के बाद किस तरह आप अपने गाड़ी को फिर से नेविगेशन के माध्यम से प्रोसेस कनेक्ट कर सकते हो, और बाय प्रोसेस आप नेविगेशन स्क्रीन में और मोबाइल में आप कनेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम चैनल में अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा अनदर वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो सीधा सीधी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो और हम लोग मिलते हैं सीधा सीधी स्क्रीन में। प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि टीवीएस राइडर का ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए टीवीएस कनेक्ट का एक ऐप आता है, तो उसको सबसे पहले मैंने इंस्टॉल कर लिया था पहले ही। पहले आप आई बटन में जाकर के चेक कर सकते हो कैसे उसका प्रोसेस है क्या है, बाकी मैं अभी आपको नेविगेशन वाला प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो बताता हूँ। अभी आप करंटली देख रहे हो यहाँ पे इसका कोडिंग आ गया, ब्लूटूथ वाला कोडिंग, और यहाँ पे कनेक्ट में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी देख पा रहे हो कनेक्टिंग का प्रोसेस आ रहा और कनेक्टेड हो गया। आप जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लूटूथ डिवाइस पेयरिंग KR सचिन के नाम से सेव है, तो KR सचिन के नाम से ये था, और देखिए यहाँ पे आपका गाड़ी जो कनेक्ट प्रॉपरली हो गया है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा था सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि एक बार मैं यहाँ पे करता हूँ नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो मैंने इसको भी एडवाइस दे दिया नियरेस्ट पेट्रोल पंप, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन में ही लाइक दैट, जैसे कि इनवैलिड स्पीडोमीटर। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं नियरेस्ट पेट्रोल पंप, मैंने इसको कमांड पास कर दिया, बट देखिए आपका जो पंप का लोकेशन है वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा क्योंकि इनवैलिड स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये पहला चीज आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरा मैं एक और बताता हूँ नेविगेशन में एक और आपका प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने नेविगेशन सर्च कर लिया, और जैसे ये मैंने कोई भी रेस्टोरेंट एक बार अप्लाई कर दिया, चलिए ये हो गया कर दिया, और डायरेक्शन में मैंने क्लिक कर दिया, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो इसमें क्या होगा MSC ID इज नॉट वैलिड। यही दो प्रॉब्लम आपको नए राइडर में देखने को मिल रहा, तो इसका कैसे सॉर्ट आउट करेंगे चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे आप देख पा रहे हो, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा जूम करने के लिए, यहाँ पे कस्टमर एक आईडी आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कस्टमर आईडी है इसको आपको नेविगेशन में फिल करना होगा। तो कैसे फिल होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ, बैक कर लेता हूँ, राइडिंग को एंड कर देंगे हम लोग, और लेफ्ट हैंड साइड अपर में आपको तीन डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तीन डॉट पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, FAQ के ऑप्शन में हम लोग चल जाएंगे, यहाँ पे व्यू FAQ एस में क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद आपको जनरल में जाना पड़ेगा। देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक राइड और एक जनरल, तो हम लोग जनरल में क्लिक करेंगे, और जनरल में क्लिक करने के बाद देखिए नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम लोग नेविगेशन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको इंटर MSC ID या फिर कस्टमर आईडी यहाँ पे फिल करने के लिए बोलेगा, तो वही जो मैंने आपको कुछ देर पहले आपको दिखाया था, बस वो आप यहाँ पे फिल कर लेना है, जैसे मैंने कॉपी करके रख लिया था, और इसको सबमिट में क्लिक कर लेना है, एक्टिवेशन सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर लेंगे। एक बार हम लोग फिर से चेक करेंगे कि आपका नेविगेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है नेविगेशन, एक बार हम पहले ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, डिवाइस में भी आप देख पा रहे हो ब्लूटूथ आपका कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिंग वाला फीचर देखने को मिल जा रहा है। अब मैं इसको कमांड पास करता हूं नियरेस्ट पेट्रोल पंप, अब आप देख पा रहे हो ये आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, मैंने जैसे इसको कमांड पास किया था नियरेस्ट पेट्रोल पंप, अब ये आपका नेविगेशन बताने लगा है। एक और मैं आपको नेविगेशन बता देता हूं, वेयर टू गो में हम लोग सर्च कर लेते हैं, वेयर टू गो, जैसे मैं बोकारो सर्च कर लेता हूं, बोकारो स्टील सिटी,
अब ये आपका प्रॉपर नेविगेशन शो कर रहा और स्टार्ट करने पे भी आपको कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब आपको यहाँ सिंपल प्रोसेस में आपको नेविगेशन देखने को मिल जा रहा है डिस्प्ले में। तो सो आप लोगों ने देखा कि किस तरह, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जा रहा है कि सीधे में आपको 3 किलोमीटर चलना पड़ जाएगा और उसके बाद फिर आपको टर्न लेना पड़ेगा। और ये भी आप देख पा रहे हो कि अगर इसमें कॉल आ रहा है तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि इस नंबर पे आपको कॉलिंग देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह राइडर के ब्लूटूथ का जो प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉर्ट आउट किया। और भी इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और सेल्स के रिगार्डिंग, गाड़ी के नए इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अनदर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।